हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का जो फिजिक्स है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नंबर 12 जो है 12th उसका पार्ट 3 का वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं। इससे पहले भी हम लोग ने दो वीडियो बनाया था हमने, तो दोनों वीडियो में हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में देखा था कि मैग्नेट क्या होता है, धरती में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, धरती एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको भी चर्चा किए थे और इसको आगे डिटेल में भी दोनों का डिफरेंस पता करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से पैदा बनाया जाता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, और परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो हमेशा मैग्नेटिज्म उसमें रहता है, उसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब उसमें करंट देंगे तो मैग्नेटिज्म उसका जनरेट हो जाएगा या उसमें आ जाएगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। तो आज यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, देखिए इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सोलेनाइड क्या होता है। तो सोलेनाइड क्या होता था, एक कॉयल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता था जिसमें हम लोग करंट दौड़ा देते थे, करंट पास करवा देते थे, तो वो हमारा सोलेनाइड बन जाता था जो कि कॉपर से होता था। उसी सोलेनाइड में हम लोग अगर एक लोहा डाल देंगे, सॉफ्ट आयरन, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार हमारा जो वो था सोलेनोइड, देखिए इस टाइप से था और यहाँ हम लोग इसमें करंट पास करवा रहे थे। देखिए यही हमारा क्या है, देखिए इस तरह से एक दे देंगे इसमें आयरन, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग उसमें करंट देंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा, अगर हार्ड आयरन होगा, स्टील सब होगा, तो वो परमानेंट मैग्नेटाइज होगा, हमेशा ही परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो हमारा जब इसमें करंट देंगे तब तक इसमें मैग्नेटिज्म रहेगा, इसीलिए इसका सॉफ्ट आयरन इसमें यूज होता है। देखिए अब करंट हमारा इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक क्लॉक फेस रूल पढ़ा था। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि अगर क्लॉक वाइज में होगा जिस तरफ से, जैसे यहाँ पे एक क्वाइल होगा तो क्लॉक वाइज में अगर वो डायरेक्शन करंट का होगा तो वो साउथ पोल होगा, एंटी क्लॉक वाइज में होगा तो वो नॉर्थ पोल का होगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से घूम रहा है, क्लॉक वाइज होगा तो ये हमारा हो जाएगा साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, दो मैग्नेट हमारा बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हो जाएगा। ऐसे ये सब हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे कि किस तरह से मैग्नेटिज्म इसमें उत्पन्न होता है, साउथ नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में किस तरह से जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब हम लोगों ने देखा था। अगर नहीं देखे होंगे तो इसके पहले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और आपका कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसका स्ट्रेंथ कैसे बढ़ता है, घटता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है। तो उसी में हम लोग आगे आज इलेक्ट्रोमैग्नेट को पढ़ेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि ए मैग्नेट इन विच लॉन्ग क्वाइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये कॉपर वायर इस पे इंसुलेटेड क्या हुआ रहता है, इज रैप्ड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन वायर, सॉफ्ट आयरन वायर है इस पे रैप किया हुआ रहता है। पहला जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़े थे वो बैटरी से जोड़ कर एक कील पे हम लोग लिए थे और वो आयरन पीस को जो है अट्रैक्ट कर लिया था, मैग्नेटिज्म को दिखा रहा था, वो जो नेल था वो हमारा एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो कि यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा बड़ा सा बना सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, और वो तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, उसका ज़्यादा यूज नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, ये कोर जो हमारा सॉफ्ट आयरन का इसके बनाएंगे अगर हम लोग, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा किसी भी और मटेरियल का यूज किए बिना। स्ट्रेंथ क्या होता है, देखिए अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा बन गया तो इसमें स्ट्रेंथ होता है, यानी कि इसका पावर होगा, मैग्नेटिज्म का पावर, ये एक आयरन पीस को या फिर कोबाल्ट निकेल को कितना जोर से, मतलब कितना ज़्यादा फोर्स लगा करके उसको वो खींच सकता है, तो यही हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ, वो किस किस बात पर डिपेंड करता है ये उसको देखिए। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यानी कि देखिए कह रहा है कि जितना ज़्यादा इस पर कॉइल का टर्निंग होगा, जितना ज़्यादा इस पर तार को क्या कर देंगे हम लोग, मोड़ देंगे, मैग्नेट का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा उतना बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना नंबर ज़्यादा अमाउंट में हम लोग करंट डालेंगे, जितना ज़्यादा हैवी करंट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैप बिटवीन द पोल्स, देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग भी पढ़े थे कि जो एक दो क्वांटिटी रिलेटेड होता है, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक दूसरे पे, वो जैसा इफेक्ट इसके ऊपर हो रहा है सामने वाले पे भी वैसा ही हो रहा है। इन्वर्सली का मतलब होता है उल्टा, एक पे अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा।
तो देखिए गैप बिटवीन पोल्स, अभी देखिए यहाँ पे ये दोनों का पोल्स क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये पोल जितना ज़्यादा दूर चला जाएगा इसका स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा। देखिए जितना इसको हम लोग ज़्यादा और बड़ा बनाते जाएंगे ये पोल हमारा कमज़ोर होता जाएगा, यानी कि जो स्ट्रेंथ है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो कम होता जाएगा। इसीलिए अगर इसको हम लोग यूँ ऐसे करके मिला दें, अब तब इस पर हम लोग रैप करें तो ये यू शेप में आ जाएगा। तो यू शेप का जो मैग्नेट होगा, देखिए यहाँ पे इसका साउथ पोल मान ले तो एक नॉर्थ पोल है, तो यहाँ ज़्यादा नज़दीक है और यहाँ थोड़ा ज़्यादा दूर है, यहाँ नज़दीक है। तो ये जो मैग्नेट होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, यू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये नॉर्मल मैग्नेट सीधा वाला मैग्नेट से ज़्यादा हैवी होगा, क्योंकि इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिस्टेंस जो है वो कम है ये सीधा वाला मैग्नेट की अपेक्षा। देखिए यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज गैप बिटवीन पोल्स इज स्मॉल, इसका जो गैप होता है पोल्स के बीच में वो बहुत ही कम होता है, इसके कारण यू शेप्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होता है। अब देखिए क्लॉक फेस रूल से हम लोग इसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि पोल नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। तो ये हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट हम लोग जानते हैं, जैसे हमारा बार मैग्नेट हो गया, हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, जो कि आप लोग घर में भी देख सकते हैं, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान सब होता है, साउंड बज रहा होगा, जो साउंड आपका खराब हो रहा है या खराब हो गया होगा उसको आप लोग फोड़ करके देखिएगा तो पीछे में जो काला मटेरियल रहता है लोहा सबको अट्रैक्ट कर लेता है, वही है परमानेंट मैग्नेट। और ये हमारा कौन सा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी बहुत सारा यूज होता है, उसको अभी देखिए हम लोग जस्ट देखेंगे, इसको हम लोग तब तक साफ कर लेते हैं बोर्ड को, अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए अब जो ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों को तो ऐसे पढ़ ही चुके हैं लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग उसको लिखेंगे अभी, जो भी एग्ज़ाम में हमारा मदद करेगा। और एक यहाँ पे देख लें क्या क्या इसमें डिफरेंस होता है। देखिए परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, सिंपली जो हमारा बार मैग्नेट होता है वही हमारा होता है परमानेंट मैग्नेट। अब देखिए मैग्नेट का एक आपको छोटा सा हिस्ट्री बता देते हैं, मैग्नेट क्या चीज़ है। मनीषा शहर एक तुर्की देश है हमारा, वहाँ पे मनीषा नाम का एक टाउन है, तो उस टाउन में क्या होगा कि बहुत पहले एक जो भेड़ चराने वाला होता है ना वो उसके लाठी जो होता है पकड़ने वाला, उसमें मेटल लगा हुआ था उसमें, तो एक पहाड़ की तरफ से वो जा रहा था, जब वो जा रहा था ना वहाँ से तो उसका मेटल उस पहाड़ को अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि पहाड़ तो बहुत बड़ा था, तो वही पहाड़ क्या होगा मैग्नेट का काम करता है, तो वहाँ एक पहाड़ मिलता उसी से मैग्नेट का निर्माण हुआ। निर्माण क्या हुआ, मैग्नेट पहले से था ही, मैग्नेट उसी को कहा गया क्योंकि वो खींच लेता था, इसीलिए वो उसका नाम मैग्नेट रखा गया। तो वो मिला था तुर्की शहर में और मनीषा नाम के टाउन में मिला, तो मनीषा से क्या बन गया मैग्नेशिया और उससे मैग्नेट हमारा बन गया। तो यही मैग्नेट का एक छोटा सा हिस्ट्री है। और देखिए अब इट्स मैग्नेटिज्म कांट बी रिमूव्ड, इसका मैग्नेटिज्म है वो हम लोग हटा नहीं सकते, जैसे वो मैग्नेट है तो हमेशा 24 आवर्स बिना उसको कुछ किए हम लोग कोई भी उसमें नहीं करेंगे तो हमेशा वो मैग्नेटिज्म रहेगा, लोहा को ले जाएंगे उसको हमेशा वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन देखिए ये टेम्पररी मैग्नेट है, कभी रहेगा भी कभी नहीं रहेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट, जब उसमें करंट होगा तभी उसका मैग्नेटिज्म उसमें होगा, अदरवाइज उसका मैग्नेटिज्म नहीं हो सकता, मैग्नेटिज्म उसका खत्म हो जाएगा। अगला देखिए ये वीक होता है और ये स्ट्रांग होता है, तो बार मैग्नेट सिंपली क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, जैसे धरती ही हमारा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तो बहुत बड़ा है खैर, लेकिन जो हमारा बार मैग्नेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंपैरिजन में बहुत ही वीक होता है, वो मैग्नेटिक कंपास में भी हमारा होता है ना वो छोटा सा एक नीडल होता है वो धरती का मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है, वो सब मैग्नेट बहुत ही कमज़ोर मैग्नेट होता है, इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, छोटा छोटा चीज़ सब में यूज होता है, जैसे लाउड स्पीकर हो गया। अब जो भी बड़ा बड़ा हैवी चीज़ होता है ना, जैसे मोटर जनरेटर सब उसमें भी यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का ज़्यादा यूज होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और इसका एक यूज और भी होता है, जो हमारे आँख सब में मान लीजिए अगर कोई पार्टिकल्स लोहा का चला गया, पार्टिकल जब चला जाएगा तो उसको निकालेगा कैसे बिना ऑपरेशन का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है बहुत ही ज़्यादा हैवी उसमें फोर्स लगाता है, तो आँख से हमारा पार्टिकल वो बिना किसी और चीज़ के वो निकल जाता है। अब स्ट्रेंथ कांट भी चेंज, अब उसको स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में पढ़े थे कि उसका स्ट्रेंथ हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, उसमें कॉइल ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर देंगे और करंट ज़्यादा हम लोग पास करवा देंगे, दोनों पोल को नज़दीक ले आएंगे, तो उससे हमारा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा वो चेंज हो सकता है, कम हम लोग कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से घटा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, जितना हमको नीड है उतना कर सकते हैं। पोल्स आर फिक्स, इसमें पोल हमेशा फिक्स रहता है ना, तो नॉर्थ पोल इधर जाएगा ना साउथ पोल उधर जाएगा, वो तो फिक्स ही है, लेकिन इसमें क्या होता है आप हम लोग देखे भी थे क्लॉक फेस रूल से हम लोग पोल्स फाइंड करते हैं,
अगर एक बार अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल है, मान लीजिए उधर से करंट घुमा देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे करंट का तो हमारा वो पोल्स का भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए बनता किस किस से है, एक तो ये नेचुरली भी फाउंड मिलता है और कार्बन से बना सकते हैं, स्टील से बना सकते हैं, क्रोमियम स्टील से, कोबाल्ट स्टील से, टंगस्टन, जो भी हार्ड आयरन होता है ना उससे इसको बना सकते हैं। यूज क्या होता है हमारा, लाउड स्पीकर हो गया, इलेक्ट्रिक क्लॉक सब हो गया, उसमें हमारा यूज होता है, जो इलेक्ट्रिक बेल होता है उसमें भी हमारा मैग्नेट का यूज होता है। अब देखिए बाय डॉक्टर स्टूडियो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। अब एक ट्रेन होता है मगलेव ट्रेन, जो बहुत ही हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके उसको चलाया जाता है। जब भी मैग्नेट होता है तो उसमें दो पोल्स क्रिएट कर दिया जाता है, तो अब सेम पोल हो जाएगा तो क्या करेगा, दोनों को वो रिपल्स कर देगा, मैग्नेट से उठ जाता है, तो उससे वो बिना जर्किंग के आपका उसमें कोई जर्क नहीं लगता है और आपका ट्रेन जो है बड़ी फास्ट उसमें चल सकता है, उसको मगलेव ट्रेन कहा जाता है। तो यही था हमारा परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस। और इसके आगे हम लोग अभी देखिए पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट भी पढ़ चुके हैं हम लोग। देखिए अब हमारे बॉडी जो है हमारा उसमें भी मैग्नेटिज्म जनरेट हो सकता है। अब हमारे बॉडी में मैग्नेट तो लगा हुआ है नहीं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही हो सकता है। जिस तरह धरती में मैग्मा के मूवमेंट से हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसी तरह से हम लोग का हमारी जो धरती है शरीर जो है इसमें भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो सकता है। देखिए हमारा जो ब्लड है उसमें हम लोग सभी जानते हैं कि जो मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है, बहुत सारा होता है, तो मिनरल के जो मूवमेंट होता है उससे हमारा, जैसे हम लोग सुने हैं कि सोडियम होता है हमारे शरीर में, कैल्शियम होता है, तो ये सब हमारे ब्लड में होता है, तो वो आयन के फॉर्म में होता है। और जो हम लोग जानते हैं कि ब्लड जो हमारे शरीर में हमेशा मूव करते रहता है, बहुत ही फास्टली मूव करता है, तो उसके मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि करंट जनरेट हो जाता है हमारे बॉडी में। अब जैसे ही करंट जनरेट हो गया, तो करंट जनरेट होगा तो करंट क्या करता है, करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है, तो उसी कारण से हमारा जो शरीर है उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये मैग्नेटिज्म जो है हमारे दो बॉडी ऑर्गन जिसमें सिग्निफिकेंट हम लोग मेजर थोड़ा सा भी उसको कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत ही कम मात्रा में होगा, वो हमारा एक है हार्ट और दूसरा ब्रेन। हार्ट से हम लोग सभी जानते हैं कि ब्लड पंप करता है हमारे शरीर में, और पंपिंग ऑर्गन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, और सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट हमारा हार्ट। हार्ट अगर फेलियर हो जाएगा तो आदमी का जीना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, हार्ट के बिना इंसान जी नहीं सकता है, क्योंकि ब्लड से ही हमारा सारे न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होता है बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह। अब इस टेक्निक का यूज बहुत जगह भी किया जाता है, जैसे MRI होता है शरीर का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है शरीर में कोई भी बीमारी को पता करने के लिए, जो हमारा टिश्यू या सेल्स वो खराब हो जाता है ऑर्गन उसको फाइंड करने के लिए। तो मैग्नेटिज्म हमारे शरीर में भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होगा, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है, आयंस मूव कर रहा है, जिसके वजह से मैग्नेटिज्म हमारे बॉडी में भी हो रहा है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे देखिए करंट तो प्रोड्यूस हो गया एक मैग्नेट में, तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिज्म के कारण क्या होगा। अब जैसे मैग्नेटिज्म में जनरेट हो गया तो दो पोल्स जनरेट हो जाएगा, एक तो साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब देखिए जब ये फील्ड जनरेट हो जाएगा, इसके सामने अगर दूसरा कोई फील्ड होगा तो या तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल्स करेगा। तो एक सिंपल जो वायर हमारा होता है उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड का किस प्रकार से फोर्स लगता है उसको हम लोग आगे देखेंगे, जिसके लिए हमारा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड थंब रूल है, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब किस तरह से काम करता है, उन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग उसी को पढ़ेंगे कि एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको ले जाएंगे तो किस तरह से उसमें फोर्स लग जाएगा, क्योंकि उसमें पोल जनरेट हो जाएगा, पोल जैसे ही जनरेट होगा तो या तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपल्स होगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।